दिक्कत में हूँ और मैं दूसरे का क्या भला करूँगा। देखिए, आपके मकर राशि के सप्तम स्थान में बिजनेस के घर में सूर्य और बुध बैठे हैं कर्क लग्न के ऊपर, कर्क घर के ऊपर। तो यहाँ षष्ठाधिपति बुध, अष्टमाधिपति सूर्य दोनों मिल गए आके। तो दोनों जब बिजनेस के घर में बैठेंगे तो आंख मूंद के क्या बोलना पड़ेगा, भाई स्ट्रगल तो है, ठीक है, स्ट्रगल है लेकिन विफलता नहीं है। हाँ, अभी देखिए, सबसे पहला शनि साढ़े साती है, एक पहला बात है। शनि का महादशा 12 साल भोग कर चुके हैं, ये दूसरा बात है। इन सारे विपरीत परिस्थिति में स्ट्रगल करके इतना दूर आगे आ गए और अभी तो गुलगुला खाने का टाइम खत्म हो गया, रसगुल्ला खाने का टाइम आ रहा है और एन टाइम पे कह रहे हो कि मैं सब छोड़ छाड़ के मैं चला बाबा बनने, ये सब नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, कोई देखो भाई महाराज, मेरे यजमान जी, प्रभु जी, भगवान जी, दूसरा कोई भी बिजनेस तो लैपटॉप या कंप्यूटर का एंटर बटन नहीं है कि दबा दिए और बिजनेस खड़ा हो गया। स्ट्रगल है ना। तो देखिए, आज आप खुद बोल रहे हो कि रियल एस्टेट व्यवसाय में मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ जी सारा भारत जीत लें, इसके लिए जिंदगी का कितना समय दिए प्रभु। इस 25 साल देने के बाद जिस कंडीशन पे आज आके पहुँचे हो, यहाँ कोई छोटा सा ऋण उण से डर के मारे बोलोगे मैदान छोड़ के अस्त्र डाल दे रहा हूँ चला मैं, है ना, और फिर दूसरा स्टार्ट करूँगा, भाई मेरे, मैं तो इसमें कभी भी राजी नहीं होऊंगा। मैं ये कहूँगा कि बंदर न्याय करो, एक डाली को मजबूत से पकड़ने के बाद दूसरा न्याय डाली छोड़ो और इसे भी छोड़ दो और उसे भी पकड़ने के लिए कूद जाओ और सामने देखा कि डाली दुर्बल है तो जीवन में तो धांव से गिरोगे ना प्रभु, एकदम करिए। अरे महाराज, मैं तो बोल दिया आपको, कौन ज्योतिषी बोल दिया द्वादश में मंगल है, जमीन का काम मत करो। अरे महाराज, मैं तो बोल दिया था कि 100% करिए, गारंटी के साथ करिए, मजे के साथ करिए, गुरु का दृष्टि है कि नहीं मंगल के ऊपर, तो मंगल क्या उखाड़ लेगा प्रभु, हाँ मंगल क्या उखाड़ेगा ये तो बताइए। उखाड़ना होता तो आज मेरे से बात करने का लायक नहीं होते, बोलते फ्री में देख लो पंडित जी, तीन तीन बार पैसा दे के कुंडली दिखा रहे हो, है ना, इसमें बेफिक्र रहे। 100% पूरा गारंटी के साथ बोलता हूँ, सब निकल जाओगे, धुल जाओगे, साफ सुथरा हो जाएगा। चैलेंज है मेरा, तो एकदम लिख लो, एकदम दीवार में आचार्य संजय का शब्द है। अब देखो, द्वादश में मंगल बैठने से तनाव देगा नहीं तो कहाँ देगा, तो दे रहा है, भय देता है तो दे रहा है, देगा भी उसमें। लेकिन आप अगर घबरा जाओगे, बोलोगे कि हम छोड़ दें अस्त्र शस्त्र, हम करेंगे नहीं, हम कोई और धंधा कर लेंगे, भले दो रोटी बासी रोटी खा के घर में सोए रहेंगे, अरे महाराज धरती से कौन क्या लेके गया है, आप क्या लेके जाओगे, मैं क्या लेके जाऊंगा, और पहले कहाँ गया हिटलर, कहाँ गया वो गांधी, और कहाँ गया जिन्ना, सब यहीं छोड़ के जाते हैं, है ना। तो क्या गवाओगे और क्या लेके आए थे, धंधे पे हो एकदम सांड जैसे चलो। आप एक बात बताओ, आप अपना 51-50 बता रहे हो, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ या छोटा हूँ, तो मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ और मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरे शब्दों का लैंग्वेज क्या है। बोल रहा हूँ ज्योतिषी छोड़ दूंगा, बाबा बन के कहीं जाकर बैठा रहूँगा, मेरा कराटे क्लास छोड़ दूंगा, मेरा योगा क्लास छोड़ दूंगा, मेरा फार्मिंग छोड़ दूंगा, मेरा प्रवचन छोड़ दूँगा, और मांग रहा हूँ एक एक दो प्रवचन दे दो महाराज, कहीं प्रवचन वचन कर लें, बतिया लें दो चार गो, मुँह शांति हो जाए, बड़ा खुजला रहा है। तो आप बोलते हो छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, हम बोलेंगे दूसरा धंधा करेंगे, ये सब चलता नहीं है, लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, है कि नहीं। अपने को जो भाग्य मिला है उसमें छोड़िए, रास्ता नहीं छोड़ना है। हाँ, ये बोलिए, मेरा 50 में क्रॉस किया, वानप्रस्थी में मैं आ गया, अब मेरा कर्तव्य कर्म क्या है बताइए गुरुदेव, ऐसा बोलना चाहिए। ये नहीं कि छोड़ छाड़ दें, बाबा बन जाएं, मर्द जैसे बात करिए, सांड जैसे बात करो, है कि नहीं। छत्तीसगढ़ी हो ना, तो फिर ये बात दिमाग से हटाइए और दोबारा दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, इसको स्थान भी नहीं मिलना चाहिए। जब तक जीवित हैं तब तक लड़ेंगे, आखिरी श्वास तक लड़ेंगे, एक एक कतरा बूंद जब तक है तब तक लड़ना है और जीतना है और आखिरी लक्ष्य तक पहुंचना है।
ठीक है ना। यहाँ उसके साथ देखो, वानप्रस्थी मतलब नहीं कि छोड़ छाड़ के भाग गया, वानप्रस्थी मतलब अभी MD हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर, अभी और ज़्यादा मेच्योर्ड हो गए साहब, मकर राशि वाला अभी टॉप लेवल पे पहुँचेगा, क्योंकि मेच्योर्ड हो गया है, धोखा खा लिया है, मार खा लिया है, बदनाम हो चुका है, जेल कोर्ट कचरी माली मजमा हो चुका है, लबरा लबरी का झटका पा चुका है, बाकी क्या रह गया है मकरू को पाने के लिए, सब पा गया, एकदम फुल प्रूफ, हाँ फुल प्रूफ, हेलमेट बुलेट प्रूफ जैकेट, आप बढ़ेगा मकरू, समझ में आ रहा है, कल तक उसका ककरू निकल रहा था, अभी दुनिया का ककरू निकालेगा मकरू। तो ये दिमाग से हटाओ और बोलो कि हम हैं हम, नहीं है गम हिम क्रिम यम है हम, बढ़ो आगे आगे, ठीक है। और ये मायूसी और ये उदासीनता ये शनि में चंद्रमा दे रहा है, मंगल जाएगा देख लेना, 6 महीना के बाद मंगल आएगा, फिर मेरे को कुंडली दिखाओगे, बोलोगे कहाँ लड़ना है गुरुजी, जमीन वमीन देखो, बिल्डिंग विल्डिंग बनाएंगे थोड़ा सा कहीं पर देख। ना हारने का कोई विषय नहीं है, देखो कोई अपना होता नहीं है ना, आप अपने को अपना दूसरे को देखो, ये भाई देखो प्रभु, ये तो नैसर्गिक दुनिया का रिवाज है, समझ में आ रहा है। देखिए एक उदाहरण, कल ही इसके ऊपर मैं उड़िया चैनल में अपना वीडियो दिया हूँ, उड़िया स्कूल, एक आदमी आया, बोला मकरू का जमीन पे खेती करेंगे या जमीन पे बिल्डिंग बनाएंगे बेचेंगे, ठीक है, लगाया 5-10-20-50 करोड़ जो भी लगा, लाख पाख जो भी लगाना चाहिए लगाया, फाइनल बिल जब हुआ, फाइनल जब प्रॉफिट होने की जगह में देखा कि डबल नुकसान हो गया। मैं उनको बोल दिया था कि देख तू सब करना, मकरू के ज़मीन पे मत लगा, मकरू के धंधा पे पैसा मत लगा, उस समय सुना नहीं, लॉस खाया, अपना सामान भी नहीं लिया, पीछे भागा और आया नहीं, बोला आप सही बोले थे, बोला हाँ मैं अभी 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 आया हूँ उसमें, उस समय बोल रहा था आप नेगेटिव आदमी हो बोल के। अब वो कल फ़ोन किया था जाके, एक कुंभ राशि वाले का यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, कुंभ राशि का जमीन जायदाद लगा के वो गेम खेलना चालू कर दिया, कल फ़ोन किया क्या होगा, बोला मर अभी मत पूछ, अभी बात करेगा ना तो 10,000 रुपया दे 30 मिनट का, उसके बाद बात करते हैं तेरे से गधा कहीं का, ठीक है। और फिर मैं उसको प्रेडिक्शन खाली इतना बोल दिया कि अभी और 10 महीना है, उसके बाद किसी मीन राशि के यहाँ तू पहुँचा होगा चूतिया, ठीक है, और कहीं सक्सेस नहीं मिलेगा। जिसको 7.5 लगा है उसके ऊपर काम करोगे तो 7.5 में तो बोलते हैं कि भाई कछुआ जैसे पैर उर हाथ अंदर घुसाओ, मस्त में अंदर बैठो, खाओ पियो ऐस करो, का बात का भाई खुजली है तुम्हारा बिजनेस करने का, क्यों घुसड़ोगे जिंदगी भर, 30 साल कमा लिए, 2.5 साल नहीं कमाए तो क्या भूखे मर जाओगे, हैं? नहीं ये है ना, जब भी 7.5 या शनि का महादशा होता है, चालाक और बुद्धिमान आदमी, देखो आपका कुछ भी हो बुध आदित्य योग है केंद्र में, बढ़िया है, ये अगर आपका दुर्बुद्धि होता तो फिर मैं बोलता कि चलो यार इस कुंडली को क्या दिखाना, सल्टा के हटाओ, बुद्धि तो अच्छा है, तो ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए ना, दूसरे के कंधा में बंदूक रखो और फोड़ो। अभी भी आप अपने कंधे पे बंदूक रख के फोड़ रहे हो तो फिर मटर के साहब के नाम पे नहीं जाएगा। को ये बताइए, अभी जो आपका टोन सुनाई दे रहा है, साउंड टोन सुनाई दे रहा है ना, जो शब्द मैं आपसे जो भी 3-4 बार पहले मेरे को आप अपॉइंटमेंट लिए थे मैं सुना हूँ, ये साउंड नहीं था, ये फ्रिक्वेंसी बड़ा डाउन चल रहा है, ठीक है, नहीं ग्लानी नहीं है महाराज, मैं बताता हूँ, आप ऐसा करो 3 से 7 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ, ठीक है ना, और 3 से 7 दिन यहाँ पर अपना, अगर मतलब लग्जरी वाले हो तो लग्जरी होटल ले लेना, और हम जैसे फर्टीचर हो तो अपने यहाँ तख्ता पड़ा है सो जाना उधर ही, ठीक है, 7 दिन जो जो बताऊँगा वो सब करना, ठीक है, और उसी में आपका ग्रह शांति वांति सब करवा देंगे, और उसके बाद खुद ही रिजल्ट बता देना, है कि नहीं। ये सब हमारे पास एक्सपीरियंसड हैं, ये सब खेल में है ना पूरे, मतलब देखो मैं आपका बीमारी समझ गया क्या हो रहा है अभी, ठीक है, शनि चंद्रमा को मैं भी भोगा हूँ और मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो इसमें यही है कि एक अनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड, फिर मंगल आएगा तो उग्रता बढ़ा देगा, और उसके बाद राहु आएगा तो भद्र मतलब भगम भग करवा देगा, तो इसलिए उससे पहले ये सब ना करे तो ये टाइम पीरियड है। देखो सर सीधा सा बात है, मेरा प्रेडिक्शन आपका मकर राशि और लग्न के अनुसार ये कंडीशन बता रहा है कि भाई फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत उजाला है, ये जैसे जैसे शनि महादशा उतरेगा और 7.5 उतरेगा उस समय मतलब आपके पास आदमी अपॉइंटमेंट लेके ही बात करेगा, इस लेवल पे पहुंचा देगा, कंडीशन इज़ गुड, लेकिन इस समय अगर आप क्विट कर जाओगे छोड़ दोगे तो बड़ा भारी नुकसान होगा सर, तो मैं नहीं कहूँगा कि क्विट करो,
कुछ भी हो जाए लॉस प्रॉफिट उसको बाद में देखना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म देखिए और साण जैसे चलिए, डरने का कोई विषय नहीं है, मेरा गारंटी है आपका एकदम मस्त में चलिए, बेफिक्र चलिए, फिक्र ना ठोके चलिए, और जितना जल्दी हो सके यहाँ पर 3 या 7 दिन का छुट्टी लेके आ जाइए सर, ठीक है। और यहाँ पर आपको टेक्निकली जो भी ट्रीटमेंट होना चाहिए वो सब करवा के एकदम मैं सर्विसिंग अर्विसिंग करा के गियर ऑयल बैटरी का पानी इंजन ऑयल बेरिंग ग्रीसिंग व्रीसिंग सब करवा के गाड़ी ओके करके छोड़ता, ठीक है। आप ही शायद हो, मैं आपको पर्सनल नंबर दिया था सर, तो काहे अपॉइंटमेंट ले रहे थे महाराज? अरे महाराज काहे अपॉइंटमेंट ले, ना 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 ऐसा नहीं, एक बार लगाए, दो बार लगाए, 3 बार लगाओ ना, पैसा लग रहा है क्या लगाने में? हाँ व्यस्त तो था विगत 3 महीना से बहुत व्यस्त चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस नहीं पकड़ पाया तो भी मैं अगर आपको पर्सनल, मैं किसी को देता नहीं इतना जल्दी, रेयरेस्ट आदमी हैं, मतलब समझ लीजिए कि मेरा इतना बड़ा मतलब लाखों सब्सक्राइबर सब चैनल मिला के तो इक्का दुक्का 10-20 आदमी को ही पर्सनल नंबर दिया हूँ, यूट्यूबर्स को सबको नहीं दिया, आप में से उसमें से आप हो, हाँ तो आप उसमें बात करिए, आपको कोई अपॉइंटमेंट दोबारा लेने का ज़रूरत नहीं है, क्या करें आपका पैसा लेके हैं, ठीक है। हाँ आप ऐसे डायरेक्ट बात करिए, ठीक है। ये बताइए ना।